Hello friends, how's the Josh? How's your Josh after clearing phase 1 examination of IFSCA grade A? कैसे लग रहा है सबको? अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जोश में हो तो अभी भी कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ है. अभी आपको सबसे मेन पड़ाव पार करना है IFSCA का, जो कि फेज 2 है. ठीक है, तो आज मैं आपके साथ पूरी की पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ कि आपको एक सेक्शन कहाँ से पढ़ना है और एक सेक्शन के ऊपर से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, ये तक मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, अगर आप ये चीज़ भी फॉलो कर रहे हो तो डोंट वरी, आप इसमें आराम से अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, here is your faculty for finance management esi and general awareness. My name is Rahul Kopulwar and I am the faculty at Oliveboard learning center at Pune. So without wasting any time, chalo let's start with our strategy. So here is the detailed syllabus or the indicative syllabus that has been mentioned in your notification for IFSCA. तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस, आईएफएससी एक्ट, आईएफएससीए, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट आईएफएससी और ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स. ये सारी चीजें तो सर मुझे पता है, आप मुझे इसमें नया क्या बताओगे? मैं आपको ये बताऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बैंकिंग के लिए, पेंशन फंड्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये सारी मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, ये हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है, तो हम आगे टॉपिक्स पे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर एक टॉपिक पे एग्जामिनेशन में आपको 4 या 5 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा जाएगा. तो उस हिसाब से मोटा मोटा अगर हम अप्रोक्सीमेट भी कंसिडर करें तो एक टॉपिक से अराउंड 8 to 10 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, अराउंड 8 to 10 मार्क्स का पूछा जाएगा. तो हर एक टॉपिक का अपना वेटेज है, बट मेरा ये सजेशन है कि जो मैंने प्रायोरिटीज पे लिखे हुए हैं टॉपिक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप उसके हिसाब से ही पढ़िए ताकि आप अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके. इसके पीछे एक रीज़न है, वो क्या रीज़न है अगर आपको वो जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगा. ठीक है, सो हियर वी मूव विद आवर इकोनॉमिक सर्वे टॉपिक. अभी इकोनॉमिक सर्वे में आपको क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक सर्वे में आपको बस समरी शीट पढ़नी है, जो कि किसने रिलीज किया है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने रिलीज किया हुआ है. आप ये समरी शीट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसका मैंने आपको वेब लिंक भी दे दिया हुआ है, आप ये लिंक पे जाइए और आप डाउनलोड कर लीजिए. दिस इज सफिशिएंट फॉर इकोनॉमिक सर्वे टू फेच यू गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. उसके बाद यूनियन बजट है, यूनियन बजट के हाईलाइट्स आपको पढ़ने हैं, उसका भी मैंने PIB लिंक आपको दे रखा है. उसके बाद कैपिटल मार्केट्स, उसमें 4 सेक्शंस है, ये 4 सेक्शंस पे आपको ध्यान देना है, तभी जाके आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा बनेगा. पहले तो डेट मार्केट्स, उसी को हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट भी बोलते हैं, सेकेंड वन इज इक्विटी मार्केट, थर्ड वन इज फॉरेक्स मार्केट्स, फोर्थ वन इज बुलियन मार्केट्स. तो ये 4 मार्केट्स पे आपको ध्यान देना है. ठीक है, ये 4 मार्केट्स पे आपको ध्यान देना है. जो भी बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों को इसका टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ रखी हुई है. ठीक है, जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, अगर उनको कुछ दिक्कतें हैं, अगर उनको और अच्छे से स्ट्रैटेजी जाननी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. सो कैपिटल मार्केट्स इज ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू दिस 4 सब कैटेगरीज. तो ये 4 कैटेगरीज आपको पढ़ना है. अभी इक्विटी मार्केट्स में आप क्या पढ़ोगे? लेट्स से प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, और उसके बाद डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव्स के अलग अलग टाइप्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है, फॉरवर्ड्स क्या है, स्वैप्स क्या है, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है. डेट मार्केट्स को कौन रेगुलेट करता है, कितने तरह के डेट्स होते हैं, कितने तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैसे वर्क करते हैं, गवर्नमेंट
बॉन्ड्स का मार्केट टाइमिंग्स कितना होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको डेट मार्केट में पढ़ना है, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ना है आपको, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम कैसे करता है, बीड रेट क्या होता है, स्पॉट रेट क्या होता है, उसके अलावा कितने तरह के फॉरेन करेंसीज आरबीआई के फॉरेक्स में रखे हुए हैं, उसके अलावा कौन कौन से टाइप्स के एनआरआई अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स होते हैं, डायमंड डॉलर अकाउंट क्या होता है, स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। बुलियन मार्केट्स बहुत छोटा टॉपिक है, आपको बस ये देखना है कि गोल्ड और सिल्वर का ट्रेडिंग कैसे होता है। गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडिंग को ही आप बुलियन मार्केट बोलते हो, ठीक है। ये सारी मैं चीज बता रहा हूँ, सारा इंडिकेटिव है। अगर आपको इसका एग्जॉस्टिव लिस्ट जानना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बैंकिंग देखेंगे। बैंकिंग में हमें क्या देखना है, बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुआ था, हिस्ट्री क्या थी, ट्रेडिशनल बैंकिंग क्या था, उसके बाद हम मॉडर्न बैंकिंग पे कैसे आए, उसके बाद नए नए इनिशिएटिव्स क्या लिए बैंकिंग सेक्टर में, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया, यूपीआई आया, एनपीसीआई आया, डीआईसीजीसी आया है, उसके बाद UPI 123 आया है, CBDC आया है, ई रुपी आया है, ये सारी की सारी चीजें न्यू इनिशिएटिव्स इन बैंकिंग सेक्टर में आएगी। उसके बाद कॉरपोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स, इसमें क्या देखना है आपको कि यार पीजे नायक कमेटी क्या है, गांगुली कमेटी क्या है, आरबीआई ने क्या नॉर्म्स बनाए हुए हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी रिस्पेक्टिव बैंक्स, ठीक है। तो उनकी एलिजिबिलिटी देखना है कि यार एक बैंक में कितने एज तक आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो, उनका एजुकेशन कितना होना चाहिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस बैंक्स का कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको कॉरपोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स में देखना है। उसके बाद आरबीआई फंक्शंस इन डिटेल्स, आरबीआई को आप आरबीआई की आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, आरबीआई के आपको सेक्शंस पढ़ने हैं आरबीआई एक्ट से, फर्स्ट स्केड्यूल क्या होता है, सेकंड स्केड्यूल क्या होता है, और आरबीआई को जो डेफिनेशन ऑफ सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई पैसा कैसे प्रिंट करती है, वो सारे की सारी चीजें आपको आरबीआई फंक्शंस में देखनी है, आपको ये चैप्टर में देखने के लिए मिलेगी। आरबीआई फंक्शंस आप कहाँ से पढ़ सकते हो, आरबीआई के वेबसाइट पे जाइए और आरबीआई एक्ट वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारे के सारे सेक्शंस और उनके फंक्शंस पता चल जाएंगे। उसके बाद आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, नाबार्ड क्या है, एग्जिम क्या होता है, सिडबी का काम क्या है, ईसीजीसी का काम क्या है, पीएफआरडीए का काम क्या है, आईएफएससीए का काम क्या है, ये सारा का सारा आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना है। बट इसमें डिटेल में मत जाइए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अगर आपने बेसिक चीजें भी पढ़ ली, नाबार्ड के बारे में अगर आपने 10-12 पॉइंट्स भी पढ़ लिए, 2-3 पेजेस भी पढ़ लिए, दैट इज मोर देन सफिशियंट टू कवर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टॉपिक। नेक्स्ट है पेंशन फंड्स, ये जो मैंने लिस्ट दी हुई है ये इंडिकेटिव लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब मैंने कुछ कुछ चीजें ही यहाँ पे लिखी हुई है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एपीवाई हो गया, नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, मानधन योजना हो गया, तीन तरह के मानधन योजना है, किसान मानधन योजना और आपका बिजनेसमैन के लिए एक मानधन योजना है और एक मानधन योजना है श्रमिक मानधन योजना, ठीक है। दो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्टर करता है, और किसान मानधन योजना को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको एडमिनिस्टर करता है। तो इसके क्या क्या की फीचर्स है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में सारी चीजें आपको देखनी है, पेंशन सेक्टर की हिस्ट्री क्या है, ईपीएफओ क्या होता है, ईएसआईसी क्या होता है, ये इसके बारे में सारी चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये सबसे बड़े लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत, इस पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस का बेसिक इंश्योरेंस के बारे में पढ़िए, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर कौन कौन से है उसके बारे में पढ़िए, पिछले साल में प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज की उसके बारे में पढ़िए, इंश्योरेंस की हिस्ट्री पढ़िए, पहले तो ये समझ लीजिए जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क है, मनी मनी बैक परचेस प्लान,
होल टाइम लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, यूएलआईपी, इसमें डिफरेंस क्या है ये देखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप इंडिया में कितनी तरह की है वो देखिए। उसके बाद जनधन योजना क्या है, सुरक्षा बीमा क्या है, जीवन ज्योति क्या है, ये बहुत बेसिक चीज है। अगर आप इसको 3 या 4 दिन भी अगर आप इंश्योरेंस के लिए दे रहे हो तो आपका इंश्योरेंस सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी ये सारी चीजें जो अभी तक हमने देखी है ये आरबीआई में इसका कहीं ना कहीं उल्लेख है या फिर आपको सेबी और पीएफआरडीए के एग्जाम में अभी तक ये चीजें आपने पढ़ के रखी हुई है, ठीक है। तो अभी तक जो सेक्शंस पे हमने बात की हुई है उनपे इतना डरने की जरूरत नहीं है जिन लोगों ने पीएफआरडीए का प्रिपरेशन किया और जिन लोगों ने आरबीआई का प्रिपरेशन किया, आप पहले से ही रेस में थोड़े से आगे हो, ठीक है। अभी ये कुछ नए सेक्शंस है, इस पे हर एक बंदे को, हर एक एस्पिरेंट को इस पे अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें नई है सब लोगों के लिए। तो आईएफएससी एक्ट के कुछ सेक्शंस है, वो कहां से आपको पता चलेंगे कि कौन कौन से आईएफएससी एक्ट के सेक्शंस है, आईएफएससी एक्ट कैसे रेगुलेट करता है आईएफएससी को, ये कहां से आपको पता चलेगा। आईएफएससीए एक्ट आपको डाउनलोड करना है आईएफएससीए के वेबसाइट से, ठीक है। सो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें मुझे एक चीज आपको बतानी है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि सेक्शंस क्या है, सेक्शंस का अंडरस्टैंडिंग करिए, उसके बाद आप चले जाइए कि मगिंग ऑफ सेक्शंस में, कि सेक्शन 21 क्या बोल रहा है, सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, हर एक सेक्शन का सेक्शन नंबर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग तो पता होनी ही चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा चांसेस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आने के चांसेस है एज कम्पेयर टू द सेक्शन नंबर्स, क्योंकि ये चीजें हमने सेबी में भी देखा है, पीएफआरडीए में भी देखा है। कंपनीज एक्ट करके एक टॉपिक होता है पीएफआरडीए और सेबी में, वहां पे सेक्शंस नंबर पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते बल्कि उनके अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, उनके एलिजिबिलिटी पे आते हैं, उनमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है उस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। उसके बाद आईएफएससीए के बारे में थोड़ा पढ़ लो कि आईएफएससीए कैसे काम करता है, उसके लिए आपको आईएफएससीए के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद गिफ्ट सिटी और गिफ्ट आईएफएससी ये क्या कैसी बनी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको गिफ्ट के वेबसाइट पे जाके पता चलेगी, जिसका मैंने वेबसाइट देके रखा है। अगर उसमें कुछ भी दिक्कत लगता है यार सर ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, नोटिफिकेशन में मेंशन है। पहले तो जस्ट गूगल करिए कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स क्या है, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको 2 या 3 घंटे में खत्म कर लीजिए, उससे ज्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स में मत पढ़िए, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, ठीक है, कौन से कंट्री का फाइनेंशियल सेंटर सबसे बेस्ट है, ये चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स पे आपको 2 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। वहां पे आपको ये देखना है कि गिफ्ट सिटी का रैंक क्या है, न्यू दिल्ली का रैंक क्या है, मुंबई का रैंक क्या है, और सबसे टॉप ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर कौन सा है, ठीक है, और इंडेक्स में कौन कौन सी चीज बोली हुई है, वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। उसके बाद अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है तो आप पुणे से हो या पुणे में आना चाहते हो आपके प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर कुछ भी दिक्कतें हैं, आपको हमारे कोचिंग का एड्रेस जानना है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे टीम में से कोई भी आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही फेज 1 और फेज 2 बैचेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपका टारगेट ये साल भी, आपका टारगेट अगर ये साल नहीं है, अगर अगले साल है, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट टाइमिंग है कि आप हमारा सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ हम लोग सोच रहे हैं जब नोटिफिकेशन लॉन्च हो जाएगी तब हम क्रैश कोर्स भी हमारा स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली फॉर फेज 2, ठीक है। यहाँ पे आपकी फेज 2 की सारी तैयारी हो जाएगी,
ठीक है, अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपकी सारी की सारी डाउट्स वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फेज वन के लिए आपको गाइडेंस मिलेगा लोकेश सर का, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फैकल्टी है और उन्हीं के साथ उनकी टीम है जो रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाते हैं, और मैं स्पेसिफिकली फेज टू पे ध्यान देता हूँ आरबीआई ग्रेड बी के, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ फाइनेंस मैनेजमेंट ईएसआई और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो सारी की सारी आपकी कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन हमारे ओलिवबोर्ड लर्निंग सेंटर में हो जाएगी जो कि पुणे में बेस्ड है। सो दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू, जिसको भी कोई दिक्कत है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माय इंस्टिंक्टिव और माय स्ट्रैटेजी विद यू अगेन इफ यू नीड माय हेल्प। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बी बेटर एवरी डे, बी अवेयर। ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए, हर दिन आपके सराउंडिंग से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है, सो हर दिन सीखते रहिए, हर दिन अच्छा बनिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कतें हैं तो प्लीज मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।